अमेजिंग पर्सन एंड कुमार जी इज फैमिली टू मी. जब मैंने फिर डायरेक्ट की थी ये दूरियां, कुमार जी ने इनिशियल डेज में मेरे लिए गाना लिखा था एंड उनके लिए मैं बहुत खुशी होती हूँ. मतलब आई एम सो हैप्पी दैट जो गाना लिखते वो हिट हो जाता है. मैं बोलती हूँ आप सोचते कब वो लिखते कब वो, यू नो लाइक सी इज अ टैलेंटेड गॉड गिफ्टेड टैलेंट ही हैज. आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड हैप्पी बर्थडे एंड यस मेरे लिए वो फैमिली. सो आई हैव टू कम. मुझे लगता है थोड़ा लेट हो गई बट एटलीस्ट मैं आई. अभी तो पठान का सॉन्ग तो इस वाव सॉन्ग, बट एक के बाद एक वो अपने ही गाने के साथ उनकी कॉम्पिटिशन होती है कि अपना लास्ट गाना हिट होता है उससे ज्यादा हिट नया वाला गाना होता है. सो यस बोथ सॉन्ग आर नाइस एंड पठान सॉन्ग इज माय फेवरेट. अभी तो मेरा दो शो खत्म हुआ है. मतलब जस्ट 15 डेज बिफोर पलकों की छाव में एंड नामों की सीमा हूँ. सो राइट नाउ आई एम ऑन अ हॉलीडे. जो भी शो खत्म होता है उसके एक महीने के लिए मैं छुट्टी लेती हूँ, मेरी बैटरी चार्ज करती हूँ, देन ऑफ कोर्स बैक टू थिंग. सो डेफिनेटली यू विल सी मूवीज एंड ओटीटी एंड न्यू शो. ट्रैवल करती हूँ. अभी मैं केरला गई, डिटॉक्स किया, देन आई वेंट टू सत्संग आश्रम, आई डिड एन इनर इंजीनियरिंग कोर्स. उससे से नई नई चीज़ जो मेरी बकेट लिस्ट में होती है जो मैं शूटिंग के दौरान नहीं कर पाती हूँ. सो आई ऑलवेज पिकअप. तो एवरी टाइम आई गो ट्रैवल अब्रॉड, बट दिस टाइम मैंने इंडिया पिक किया. साउथ में मैं ज़्यादा गई नहीं. सो इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. हमारे इंडिया में इतनी सारी जगह है जो देखने लायक है और हम बाहर भागते हैं. तो आई गो टू फिनिश. थैंक यू सो मच. सेंटर लुक कैमरा बताओ व्यू लुक है. Thank you, bye. Sir, are you sir? Aapke saath. Thank you.
Sorry, what? How the journey all together? It's beautiful, it's wonderful. I am doing a few, like, it's back-to-back music videos that I am doing right now. And Main Kya Karun went well, and I'm happy with the response of the audience. So, about this place. First of all, thank you so much. You have come here. और यहाँ पे मेरा काम है आज सबको खाना खिलाना. सो वेलकम टू EWF. मेरा नाम शेफ रिपुदमन हांडा है. एज यू नो कि मैं टीवी पे बहुत ज़्यादा खाना पकाता हूँ. आज आपके सामने एक ऐसी जगह लेके आया हूँ बॉम्बे में जहाँ पे आप लोग आ सकते हैं फॉर द गुड एक्सपीरियंस. एंड बहुत जल्द ये ओपन होगा नॉर्मल पीपल के लिए जहाँ पे लोग डाइन कर सकते हैं. एंड डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस इन जुहू, दैट्स माई गारंटी. मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस यहाँ लगाया है और आई एम सो एक्साइटेड. फाइनली यहाँ पे कुमार पाजी का बर्थडे है आज और ही इज़ वेरी जेन्युइन पर्सन. मैं उनसे फर्स्ट से मिला था. एक तो पंजाबी कनेक्शन बहुत तगड़ा है, मैं भी पंजाबी, वो भी पंजाबी थे, पंजाबी पंजाबी पंगड़ा पंगड़ा हो गए से तो बहुत अच्छा लगा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो ग्लैड कि मुझे मौका मिला यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री को खाना खिलाने का एंड उनको डाइनिंग करवाने का. बट हाँ, पिक्चर अभी बाकी है. जब रेस्टोरेंट खुलेगा तो आप सब आइए और अच्छा एक्सपीरियंस पाइए. मैं ऑलवेज ये देखता हूँ कि कोई चीज़ जब मुझे अच्छी लगती है तो मैं अपने हिसाब से उसको खाना और बनाना पसंद करता हूँ. बट मैं हमेशा अपने पॉइंट ऑफ में कस्टमर की रिक्वायरमेंट पहले सोचता हूँ कि उनको क्या पसंद होगा, उनको क्या चीज़ें. डेफिनेटली दे एक्सप्लोर होल ओवर द वर्ल्ड. उनको पूरा दुनिया, उन्होंने पूरी दुनिया घूमी हुई है. तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके सामने वही पेश करूँ जो वो फेमिलियर हो. एंड सेकेंड, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब इस तरह की पार्टी होती है तो लोग थोड़ा छिपके खाना पसंद करते हैं. तो मैंने सारा स्टार्टर जो वन बाइट रखा है ताकि इट बिकम इजी फॉर देम टू हैव एंड डू द कन्वर्सेशन. तो ये मेरा मेन मोटो है फॉर द इंडस्ट्री, बिकॉज जब मैं भी किसी पार्टी में जाता हूँ तो मैं भी कोशिश करता हूँ छुपके थोड़ा सा खा लूँ. तो इसलिए वन बाइट स्टार्टर. I'm into Punjabi films, so many of my Punjabi projects are in pipeline. I would like to disclose when I'm allowed to. So yeah, Punjabi films, Punjabi and Telugu films I'm doing right now. Do you think, the Hindi film industry is supporting a lot, especially Punjabi viewers, For example, Carry On Jatta. I've seen Amir Khan coming, unreleased the trailer. Then Mastane came. There's so many films coming in from Punjab to Mumbai for the promotion. Do you think it's a good start? It is a good start. What I feel is Punjab is loved overall. I mean, everybody, if you talk about music videos, if you talk about songs, most of the songs that we see are sung in Punjabi language, right? So even if few words are there, it's of Punjabi, and people love hearing Punjabi music. So I feel, Punjab, I'm a Punjabi and I love that. I love Punjab. Punjabi movies are it's like butter chicken, you know? It's like butter chicken. It's like dal makhani. Thank you. So it's Punjabi like jo hota na, wo Punjabi kya hota? Punjabi ki mithi zubaan, Punjabi ka acha khana, Punjabi ke gaane dheere dheere industry mein aate ja rahe hain. Pehle Punjabi movie bahut kam lagti thi Bombay mein, jab Bombay shift hua tab. लेकिन आई एम ग्लैड कि पंजाबी मूवी यहाँ लगती है और पंजाबी इंडस्ट्री को इतना अच्छा वेलकम यहाँ पे इंडस्ट्री वाले लोगों ने दिया. बिकॉज आई एम रियली पंजाबी मूवी फैन. मी टू. मैं जब भी पंजाबी मूवी को रिलीज होती थी मैं दिल्ली भाग के जाता था कि मैं पंजाबी मूवी देख पाऊँ. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. एंड पंजाबी मूवीज हैव एंटर्ड 100 करोड़ क्लब. सो यस, डेफिनेटली लाइक दे हैव कम लाइक अ लॉन्ग जर्नी इट इज टू एंटर इनटू 100 करोड़ इन अ पंजाबी फिल्म. So yes, Punjabi industry is loved by everybody and Punjabis are loved by everybody. So yes. Bye, 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 bye. Can I tell you a song?
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुमार जी से हम पहली बार जब मिले, जब हमारी पंजाबी फिल्म हम प्रोड्यूस कर रहे थे और कुमार जी ने उनके सारे गाने लिखे, और तब से हम उनके दीवाने हो गए, सिर्फ उनके शर्ट के बटन के नहीं। सो ही इज एन अमेजिंग ह्यूमन बींग, बिसाइड्स बींग अ ग्रेट लिरिसिस्ट, इंसान उससे बेहतरीन है। सो इसलिए आई थिंक ही इज लव्ड बाय एवरीबॉडी इन द फ्रेटर्निटी, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ कुमार जी, वो सबके दिल में बस जाते हैं। सो विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड लॉट्स ऑफ लव। ये कहना चाहूँगा दैट विराज इज बैक एंड ट्वाइस एज बैड, सो वॉच आउट फॉर इट, दैट्स ऑल आई कैन से। थैंक यू। हाँ जी, कुमार पाजी हमारे इतने बड़े राइटर हैं और इतने बड़े दिल के मालिक हैं, उनके गाने भी इतने इतने बड़े हैं और सब गाने सुपरहिट हैं। आज मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आपकी लंबी उम्र हो, आपके गानों की भी लंबी उम्र हो, इसी तरह आप लिखते रहें, बॉलीवुड में छाए रहें। क्योंकि मैं ये सीरियसली कह रहा हूँ, इतनी दुआएं ये कॉमेडी में नहीं है, असली हैं, और वो बहुत प्यार करते हैं, उनको सब प्यार करते हैं, सब कलाकार प्यार करते हैं, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे हम जैसे कॉमेडी में, लेकिन उनका प्यार ही सबको खींच लाता है। उनकी जो एक उनका नेचर इतना अच्छा है कि सबके साथ घुल मिल जाते हैं। तो बस हमारी यही दुआ है, कुमार बाजी हमेशा तरक्की करें। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां, अगर ये सुनो तो ये कमाल का है। फिर बेबी डॉल, फिर उनका पहला गाना जो इतना सुपर हिट हुआ, मतलब काफी देर पहले जो उन्होंने लिखा था, ओ हो 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 इश्क तेरा धड़, तो ये भी गाना सोचो कि ये लिखा है कहाँ, सीरियस गाने लिखे उन्होंने। उनके हर गाना में अगर गाने लगेंगे तो पता नहीं कितने साल तक बोलता रहूँगा तो गाने खत्म नहीं होंगे। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे पाजी। एक ही है, एक थोड़ा कर दिया। भाई जनता कहता केक भी मेहनत से बनता। जयदे भाजी लव यू टू अंडरस्टैंड यू। Thank you.
बलपा जी,